नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। अमरोहा में मामूली विवाद को लेकर युवक ने गोली मार दी है, जिसकी वजह से हालत गंभीर हो गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद अमरोहा के थाना नौगांवा सादात का है, जहां पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पहले युवक ने दो हार्ड फायरिंग की और उसके बाद जब तीसरा फायरिंग किया तो अचानक उसी व्यक्ति को लग गया। गोली लगने से गाँव में दहशत का माहौल है। गोली चलने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस ने गोली मारने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया है। घायल को मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के गांव विलना का पूरा मामला है। पुलिस अब इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये रात जो है झगड़ा हुआ इनमें आपस में। हमारा लड़का बाहर था, जब फोन कर बुलाया गया तुम्हारे मोहल्ले में झगड़ा हो गया, तो ये वो आया बाहर से और आके बोला भैया बैठ के झगड़ा मत करो, बैठ के मैं गेट खेलता हूँ, बैठ के बात करो और बैठ के बात कर लो अपनी। उन्होंने जो है फायरिंग करा, दो फायरिंग हवाई करे, एक फायरिंग उसके मार दिया। कौन थे फायरिंग करने वाले? बस्ती के लोग थे। क्या नाम उनके? नाम नाम का दिन नाम ही मालूम ना। तो गोली जो लगी है किसका लगी गोली? जमाल अहमद के। आपका क्या बेटा है? मेरा बेटा है। अब कैसी हालत है उसकी? सीरियस है बहुत। कहाँ भर्ती कहाँ पर है? मुरादाबाद साई में है। पुलिस को सूचना दिया आपने कुछ? पुलिस मौके पर थी। हैं क्या कुछ कार्रवाई हो रही है पता है कुछ? इसका तो मालूम ना, मतलब जब से लेकर चला गया था मैं तो। गिरफ्तार हुआ गोली मारने वाला? भी नहीं हुआ। हाँ। हो गया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।